हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब? आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं PYQ सीरीज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था UGC नेट का। तो उस एग्ज़ाम की सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम, आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PYQ हम सॉल्व करते हैं सारा सिलेबस करने के बाद, ताकि हमें एक अंदाज़ा हो कि PYQ कैसे सॉल्व करने हैं, या जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि कई बार हम सिर्फ सिलेबस करके छोड़ देते हैं और PYQ सॉल्व ना करके बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि PYQ से हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे हमें उनको सॉल्व करना चाहिए। तो आप उन वीडियोस को जरूर चेक कीजिएगा। कंप्लीट सिलेबस भी हमने अपलोड कर रखा है चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड का, और साथ साथ 2020 ईयर के PYQ कंप्लीट और 2021 ईयर के 45 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बाकी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द रोल ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्टर हाउ शुड अ टीचर प्रोसीड। जब टीचर एक टेस्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब कोई टीचर जब टेस्ट कंडक्ट करता है, टेस्ट बनाता है, तो कैसे वो प्रोसेस करता है कि उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा टेस्ट बनाने से पहले, और लास्ट स्टेप क्या होगा कि टेस्ट बन के तैयार हो गया। तो जब कोई टीचर टेस्ट बनाने के रोल में होता है तो वो कैसे प्रोसेस करता है। देखो, जो भी कोई प्रोसेस वाला क्वेश्चन होता है, उस प्रोसेस वाले क्वेश्चन का हमेशा फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा या फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। चाहे हम पेपर 1 में ले लें, पेपर 2 में ले लें, हमारा फर्स्ट स्टेप प्रोसेस का रहता है कि हम, जब तक हमें किसी प्रॉब्लम कोई पहचान नहीं होगी, जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा हमारा, बिना ऑब्जेक्टिव के हम किस चीज़ की प्रोसेस करेंगे। कोई भी काम हम करते हैं तो किसी प्रॉब्लम को लेके करते हैं या किसी ऑब्जेक्टिव को लेके करते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आप प्रोसेस वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट स्टेप वो देखें जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बारे में कुछ कहा गया हो या किसी ऑब्जेक्टिव के बारे में कहा गया हो। तो इसमें 5 हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है, प्रिपेयर टेस्ट आइटम्स दैट मैच द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कि टेस्ट आइटम्स को बनाना जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से मैच करें। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से कोई भी चीज़ तब मैच करेगी जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो ये टेस्ट आइटम्स बनाना हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप रहेगा, जहाँ पे टेस्ट आइटम्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट रहेगा, लास्ट स्टेप रहेगा हमारी प्रोसेस का। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, क्योंकि हम श्योर हैं कि टेस्ट आइटम्स हमेशा बाद में ही बनेंगी, ये बिल्कुल एंड स्टेप है कि आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे टेस्ट आइटम लास्ट में बनाओगे। अगर आप ए पॉइंट देखते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में, दोनों ऑप्शन में ए पॉइंट वो लास्ट स्टेप पर है। तो मीन्स या तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा या ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो अगर आप आगे देखते हैं, बी पॉइंट है, लिस्ट द मेजर कोर्सेज और यूनिट ऑब्जेक्टिव। मेजर कोर्सेज और यूनिट ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट आउट करना। तो मेजर कोर्सेज तब लिस्ट आउट करोगे जब आपको टोटल कोर्सेज का पता होगा, या जब आपको कोर्सेज का पता होगा तो उनमें से आप मेजर कोर्सेज को लिस्ट बना सकते हैं उनके बाद में। आगे है, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल बनाना, जो आप स्पेसिफिकेशन आपकी तैयार हो चुकी है उनकी टेबल बनाना। डी है, स्पेसिफाई द कोर्स और यूनिट ऑब्जेक्टिव, यूनिट कंटेंट। और ई है, डिस्कार्ड अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। देखो, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि कोर्सेज और यूनिट कंटेंट को स्पेसिफाई करना। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपको किस यूनिट का, किस कोर्स का टेस्ट लेना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि कोर्स और यूनिट कंटेंट को स्पेसिफाई करना, उसको आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले आप कोर्सेज को आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे इस कोर्स का, इस यूनिट का टेस्ट लेना है। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा डी स्टेप, कि कोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, कोर्सेज को स्पेसिफाई करना। डी के बाद हम आएंगे बी स्टेप के ऊपर, कि जब कोर्सेज हमारे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, यूनिट कंटेंट हमारा स्पेसिफाई हो चुका है, उसके बाद हम जो मेजर कोर्सेज हैं वो उनको, उनकी लिस्ट बनाएंगे।
तो डी के बाद हमारा स्टेप रहेगा बी, और यूनिट ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। यूनिट ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हम आएंगे ई पॉइंट पे, जो अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीन्स जो ऑब्जेक्टिव्स अनरियलिस्टिक हैं, जो सही नहीं हैं, उनको हम डिलीट कर देंगे। तो ये बी के बाद आएगा हमारा ई पॉइंट। जब हमारा यूनिट कंटेंट बन गया, यूनिट ऑब्जेक्टिव्स तैयार हो गए, अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, जो फालतू ऑब्जेक्टिव्स थे, जो सही नहीं थे, वो हमने डिलीट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन की टेबल बनाएंगे, और एंड पॉइंट हमारा रहेगा टेस्ट आइटम्स को बनाना। तो हमारे जो सीरीज़ बन गई है, बी सबसे पहले डी, उसके बाद बी, देन ई, सी, और लास्ट स्टेप रहेगा हमारा ए। तो ये सारा बी डी बी ई सी ए, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन में है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। हमें सिर्फ याद ये रखना है कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा और लास्ट स्टेप। अगर आप दो स्टेप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बाकी सीरीज़ अपने आप सॉल्व हो जाती है। आगे सेकेंड क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न। जो थ्योरी है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग का मीन्स है कि ये थ्योरी ऐसी लर्निंग के बारे में बात करती है जो मीनिंगफुल है, मतलब जिससे बच्चे की माइंड का डेवलपमेंट हो, उसके लर्निंग ज़्यादा स्टेबल रहे, वो अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए। तो ये सब जो है वर्बल मीनिंगफुल लर्निंग मीन्स कि उसकी लर्निंग को मीनिंगफुल बनाना। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा लर्न तो बहुत कुछ करता है बट उसकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल बहुत कम होती है। हमने एक दिन में हंड्रेड्स ऑफ न्यू चीज़ें सीखी, हंड्रेड्स नई चीज़ों में से कुछ मुश्किल से 20 या 30 चीज़ें ही होंगी जो हमारे काम की होंगी, जो मीनिंगफुल होंगी। तो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग किन किन चीज़ों से डील करता है वो इन पांचों पॉइंट्स में से हमें फाइंड आउट करना है। ए है हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज। तो ये एक मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग है कि हमारी नॉलेज किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाएगी या कैसे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, करिकुलम कंटेंट हम कैसा बनाएं जिससे हमारी करिकुलम कंटेंट कैसा ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि देखो कोई भी जो राइटर बुक लिखता है तो वो बुक इस तरीके से लिखता है कि सबसे पहले उसने मीनिंग को लिखा, मीनिंग के बाद उसने उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे, देन एडवांटेजेस आए, उसके बाद डिसएडवांटेज आए। ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले उसने डिसएडवांटेज लिखे उसके बाद एंड में मीनिंग लिखा। तो करिकुलम कंटेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए वो भी हमारी लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है। तो ए पॉइंट आएगा। बी है हाउ द माइंड वर्क टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन, कि हमारा माइंड, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, लर्निंग को प्रोसेस करने के लिए। तो ये भी एक मीनिंगफुल लर्निंग का ही पार्ट है कि हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो कितना हम उसको अडेप्ट कर पाते हैं, कितना हम उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, कौन सा ऐसा स्किल है जिसको हम बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। तो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हमारा माइंड किस तरीके से उस पर वर्क करता है, ये भी एक मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग है। सी है हाउ टीचर्स कैन अप्लाई आइडियाज़ अबाउट करिकुलम एंड लर्निंग व्हेन दे प्रेजेंट न्यू मटेरियल टू स्टूडेंट, कि जो टीचर है वो किस तरीके से नए आइडियाज़ को अप्लाई करता है, अपने आइडियाज़ को अप्लाई करता है जब भी वो कोई नया कंटेंट, नया मटेरियल बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करता है। जब भी कोई टीचर कोई नया कंसेप्ट बच्चों को सिखाता है तो वो ट्राई करता है कि वो उनको उस कंसेप्ट को अपने आइडियाज़ से, रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करे ताकि वो कंसेप्ट बच्चों को समझ में आए। तो ये पॉइंट हमारा सी है कि टीचर है वो ऐसे देखता है कि मैं किस तरीके से अपने आइडियाज़ को अप्लाई करूँ जब वो जब मैं बच्चों के सामने नया मटेरियल, नया कंसेप्ट प्रेजेंट करूँ तो किस तरीके से मैं अपने आइडियाज़ अप्लाई करूँ। तो ये भी मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग ही है कि मीनिंगफुल लर्निंग मीन्स टीचर चाहता है कि बच्चों को लर्निंग ऐसी हो कि वो मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर नया कंसेप्ट तो हर कोई सिखा के जा सकता है बट नया कंसेप्ट समझाना और उनको उनके दिमाग में वो स्टेबल रहे वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ टीचर देख रहे हैं कि उनकी लर्निंग मीनिंगफुल कैसे बने। तो ये भी हमारी थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग का पार्ट है। ए बी सी फिक्स है, उसके बाद बी पॉइंट है
हाउ द स्टूडेंट प्रोवाइड रिस्पॉन्सिस टू क्रिटिकल क्वेश्चन, स्टूडेंट कैसे क्रिटिकल क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करते हैं, ये कोई मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग में नहीं है कि क्वेश्चन कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे हमारी मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग का मीन्स है कि उनके लर्निंग को मीनिंगफुल बनाना, जो वो सीख रहे हैं, ना कि जो वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं क्रिटिकल क्वेश्चंस को, वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं ये चेक करना। ई है हाउ द इंस्टीट्यूशंस हैज एस्टैब्लिश अ लैंग्वेज लैब, कि इंस्टीट्यूशन ने जो है कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, कितना अच्छा डेवलपेशन नहीं है लैंग्वेज लैब में, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि अगर टीचर चाहे तो आपको, जैसे पुराने टाइम में पेड़ के नीचे बैठ के भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, और मे भी वो इतना अच्छा स्मार्ट क्लास में ना पढ़ा पाए, या स्मार्ट क्लास में इतनी अच्छी नॉलेज ना मिले बच्चों को जितनी एक ओल्ड एनवायरमेंट में मिले। तो ये है बात कि इंस्टीट्यूशन ने कितना अच्छा डेवलप किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि टीचर समझा कैसे रहा है। तो ई पॉइंट नहीं आएगा और ना ही डी पॉइंट आएगा। तो ए बी सी इज द राइट आंसर, ए बी सी ही आएंगे इसके अंदर, जो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट वन, द एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज डिजाइन टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, देयर नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट एनी गिवन टाइम एंड हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लियर एंड स्टेबल दैट नॉलेज इज, कि जब भी कोई जो एडवांस मॉडल है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डिज़ाइन किया जाता है ताकि बच्चों का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप हो, उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मीन्स कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज रखता है, कैसे उसने अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कितनी उसके माइंड में वो नॉलेज स्टेबल है। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मीन्स हमारी नॉलेज, हमारी रीजनिंग, हमारी मेमोरी और इंटेलिजेंस पावर से रिलेट करता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइज एडवांस मॉडल इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि उनकी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो, उनको मजबूती मिले, वो अच्छे से डेवलप हो। तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एडवांस मॉडल इसी के बारे में बात करता है। स्टेटमेंट सेकंड, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हैज़ नथिंग टू डू विद व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ अ फील्ड इज इन अवर माइंड, हाउ मच ऑफ इट इज़ देयर एंड हाउ वेल इट इज़ ऑर्गेनाइज। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इस बारे में बात नहीं करता है कि कितनी नॉलेज हमारे माइंड में है, कितनी होनी चाहिए या किस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का काम ही है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मीन्स हमारा माइंड, जो हमारे माइंड में कितना नॉलेज है, कितनी होनी चाहिए, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब कोई क्वेश्चन है 16 मार्क्स का, उसको हर कोई याद कर लेगा, बट उसको ऑर्गेनाइज वे में याद करना, उसको ऑर्गेनाइज वे में लिखना ही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का पॉइंट है। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस डिसीजन ट्रैप्स, ट्रैप्स मीन्स जाल, पर्टेन्स टू थिंकिंग एंड प्लानिंग एक्टिविटीज़। ये पांचों पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पर, ए बी सी डी ई, इन पांचों में से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से डिसीजंस हैं जो थिंकिंग और प्लानिंग को बढ़ने नहीं देते, मीन जो थिंकिंग में रुकावट डालते हैं, जो हमारे प्लानिंग में एक जाल है, मतलब प्लानिंग जाल मीन्स एक बाधा है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये कौन कौन से, इन पाँचों में से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे प्लानिंग और थिंकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ए है नोट कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ना रखना वो हमारा करता है वैसे प्लानिंग में काफ़ी हद तक ट्रैप है, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट थिंकिंग और प्लानिंग की बात की जाए तो सिर्फ नोट कीपिंग रिकॉर्ड नहीं आता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आया कि ओवर कॉन्फिडेंस प्लानिंग में क्या आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस बट थिंकिंग में ज़रूर कहीं ना कहीं एक बाधा क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्लगिंग इन वो भी एक ट्रैप है, फ्रेम ब्लाइंडनेस, आपने फ्रेम कितना अच्छा बनाया है, फ्रेम कितना अच्छा नहीं बनाया है, अगर फ्रेम ही कोई प्लानिंग कर रहे हैं फ्रेम ही उसका अच्छा नहीं है, पुअर फ्रेम कंट्रोल है, फ्रेम बना दिया है, कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर,
फ्रेम मीन्स आपने कोई प्लानिंग किया, आपने कंप्लीट सेटअप बना लिया कि आप ये इसके सबसे पहले ये पॉइंट पढ़ोगे, उसके बाद ये पॉइंट पढ़ोगे। अगर आपने वो फ्रेम ब्लाइंडनेस मीन्स वो फ्रेम ही अच्छे से नहीं बनाया है या फ्रेम बना के उस पर अमल नहीं किया, उस पर कंट्रोल नहीं किया, तो वो हमारी थिंकिंग और प्लानिंग दोनों में ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सी डी एंड ई, प्लगिंग इन फ्रेम ब्लाइंडनेस एंड पुअर फ्रेम कंट्रोल। ये पॉइंट थोड़ा नया पॉइंट था जो अब की बार आया था, इससे पहले ये क्वेश्चन नहीं आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ डिसीजन ट्रैप्स टू इलस्ट्रेट व्हाट नीड्स टू बी अ पॉसिबल इवैल्यूएटरी फ्रेमवर्क टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस। काफ़ी हद तक सेम क्वेश्चन ही है ये कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ट्रैप क्रिएट करते हैं, व्हाट नीड टू बी पॉसिबल इवैल्यूएटरी फ्रेमवर्क टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने में एक ट्रैप है, या जो हमारी लर्निंग प्रोसेस का जो फ्रेमवर्क बनाते हैं उसके लिए वो कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं, बट वो कंपोनेंट्स की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो लर्निंग प्रोसेस को बनाते वक्त, लर्निंग प्रोसेस को फ्रेम करते वक्त ट्रैप क्रिएट करते हैं। फर्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। देखो, जब भी हम कोई नया चीज़ सीखेंगे, लर्निंग प्रोसेस मीन्स कोई नई चीज़ सीखना, अगर हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम कोई नई चीज़ नहीं सीखते। अब हम UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट सिर्फ इसी वजह से प्रिपरेशन नहीं करते कि उनको लगता है कि एग्ज़ाम बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। कोई भी कॉन्फिडेंस अच्छा है कि आप कॉन्फिडेंस रखो, बट ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप कुछ भी नया लर्न ना करो, कुछ भी नया नहीं सीखो, क्योंकि UGC नेट एग्ज़ाम में बहुत सारे नए पॉइंट्स भी आते हैं, और जो आपने रीड किया है MCOM में, जो आपने पढ़ा है, वो उसमें कुछ इतना नया पॉइंट नहीं है, वो आपका थ्योरी सिलेबस है। बट UGC नेट एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन भी आता है जो आपका MCOM में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते। ओवर कॉन्फिडेंस आपका लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बी है कोचिंग, कोचिंग का कोई रिलेशन नहीं है लर्निंग प्रोसेस से। सी है फ्रेम ब्लाइंडनेस, फ्रेम ब्लाइंडनेस भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप अच्छा फ्रेम नहीं बना पा रहे हैं अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। डी है टेकिंग शॉर्टकट, शॉर्टकट्स बना लेना, जैसे कि हमने कोई कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट को समझने के बजाय हम डायरेक्ट हमने वन लाइन मीनिंग पढ़ा या डायरेक्ट एडवांटेज देखे, हमें लगा कि हो गया, तो शॉर्टकट्स लेना भी सही नहीं है, स्पेशली लर्निंग में कुछ नया सीखने में। जब तक आप उस कंसेप्ट को डिटेल में नहीं समझेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कोई भी काम है, कोई भी कुछ भी नया काम है, तो उसमें शॉर्टकट नहीं हो सकता। आपको वो आता है तो वहाँ आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं, बट कुछ नया सीखना है तो वहाँ पे आपको डिटेल में ही सीखना पड़ेगा। तो जो डी पॉइंट टेकिंग शॉर्टकट, वो भी हमारा लर्निंग प्रोसेस में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ई है मीन परसिस्टेंट मिसकंसेप्शन, कंसेप्शन अच्छी ना होना, अवधारणाएँ मीन्स, तो वो भी एक नेगेटिव ही पॉइंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, एक तो ए है ओवर कॉन्फिडेंस, एक फ्रेम ब्लाइंडनेस, एंडिंग टेकिंग शॉर्टकट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ओवर कॉन्फिडेंस और फ्रेम ब्लाइंडनेस और टेकिंग शॉर्टकट, तीनों ही ऐसे पॉइंट हैं जो हमारी लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और फ्रेम ब्लाइंडनेस, प्लगिंग इन और पुअर फ्रेम कंट्रोल, वो प्लानिंग और थिंकिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दोनों ही पॉइंट अब की बार कुछ नए थे और अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन CBCS एबिलिटी एनहांस कोर्सेज आर ऑफ टू काइंड। CBCS डिटेल में एक्सप्लेन किया है हमने, आप चेक कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाके। तो इसमें एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज दो तरह का होता है, किस किस तरह का होता है वो पूछा गया है। एक तो एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, एक स्किल एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, एक एबिलिटी एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज, एक स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। सबसे पहली बात, CBCS की फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसके अंदर स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज चूज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकता है जिस अपनी
स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। साथ साथ इसमें ग्रेड सिस्टम है, आपको ग्रेड लेटर या ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें तीन ही कोर्सेज़ हैं, एक तो हमारा कोर इलेक्टिव कोर्सेज़ होते हैं, कोर कोर्सेज़ मीन्स कंपल्सरी कोर्सेज़ होते हैं, एक स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़ होते हैं और एक हमारे होते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्सेज़। तो पहली बात अगर आप ऑप्शन भी देखते हैं तो ऑप्शन में देखेंगे ए ए ए ए ए तो है पॉइंट, सभी चार ऑप्शंस में है, मतलब ए पॉइंट फिक्स आएगा ही आएगा। उसके बाद एक स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है जो हमारा CBSE सिस्टम के अंदर आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए एंड ई, ए एंड ई इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टागियस स्प्रेडिंग ऑफ बिहेवियर थ्रो इमिटेशन, इमिटेशन से नकल करना, तो उसको हम कैसे क्या कहते हैं? तो वो इफ़ेक्ट जो इमिटेशन से फैलता है या कॉपी करके फैलता है उसको हम राइपल इफ़ेक्ट कहते हैं। दिस इज़ नोन एज राइपल इफ़ेक्ट। राइपल इफ़ेक्ट होता है कि जहाँ पे एक एक्शन का या एक सिचुएशन का बाकी पर्संस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, वो जो एक्शन है उसका जो उसका इफ़ेक्ट है वो बहुत जल्दी फैलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई मैनेजर है, वो किसी कंपनी से कोई मैनेजर से निकाला जाता है, तो उसके निकालने का प्रभाव, उस मैनेजर के निकालने का प्रभाव उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है, उस पूरी संस्था पर पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं राइपल इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जब किसी एक एक्शन का या एक सिचुएशन का बिहेवियर उसका इफेक्ट काफ़ी लोगों तक फैलना और वो नकल करके फैलता है। जैसे कि अगर एक पर्सन खुद से निकला है या उस मैनेजर को निकाला गया है, तो जिस वजह से वो निकाला गया है उसको बाकी नकल करेंगे उसका, या फिर उसको किसी वजह से प्रमोशन मिला है तो बाकी उसकी नकल करेंगे। मीन्स जब कोई भी एक्शन का प्रभाव काफ़ी लोगों तक फैलता है, काफ़ी पर्सन्स में फैलता है, तो उसको हम राइपल इफेक्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा द टर्म ओपन लर्निंग रिप्रेजेंट अप्रोचेस दैट फोकस ऑन, जो ओपन लर्निंग टर्म है कि ओपन लर्निंग हो जहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव लेवल में आते हैं हमारी ओपन लर्निंग, जिसमें जो स्टूडेंट है वो ओपनली सीखते हैं, कोई उनकी रीजनिंग डेवलप होती है, उनकी इमेजिनेशन डेवलप होती है और यहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिलती है। साथ साथ वो लर्नर्स होते हैं जो किसी भी टाइम सीखते हैं, मीन्स ओपन लर्निंग ओपन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि ओपन डिस्टेंस से जो बच्चे कोर्सेज करते हैं डिस्टेंस से, वो ओपन लर्निंग का ही पार्ट है कि वो किसी टाइम के बाउंडेशन नहीं है, किसी प्लेस के बाउंडेशन नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ही सीखते हैं और उनकी जो उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो भी उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कोई फिक्सेशन नहीं है कि उनका इसी उस दिन उनको क्लास अटेंड करनी है या इतने परसेंट उनके अटेंडेंस होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ उनका फिक्सेशन नहीं होता, तो वहाँ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ओपन लर्निंग का मतलब है कि जो कोर्सेज डिस्टेंस से कंप्लीट किए जाते हैं, जो डिस्टेंस कोर्सेज हैं, जो ओपन कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे ओपन लर्निंग होती है। अब इसमें चेक करते हैं, ए पॉइंट है ओपन असेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोविज़न, यहाँ पे एजुकेशन के लिए ओपन असेस है, ट्रेनिंग भी आप ओपनली ले सकते हैं, तो वो हमारा ओपन लर्निंग के अंदर आता है। जैसे कि कोई कोर्स है, 10th+2 का कोर्स है कोई भी, या बीकॉम कोई यूजी कोई कोर्सेज है, तो वहाँ पे एजुकेशन आपकी ओपन एक्सेस है कि आप इजीली एजुकेशन कर सकते हैं और ओपन लर्निंग से कर सकते हैं, तो ए पॉइंट आएगा इसके अंदर। उसके बाद है फ्रीइंग लर्नर्स फ्रॉम कंसंट्रेंट्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो ओपन लर्निंग है वो स्टूडेंट्स को फ्री करता है, लर्नर्स को फ्री करता है कि उन्हें एक एग्जैक्ट टाइम पर आना है, एग्जैक्ट इसी प्लेस पर आना है, यहीं पर आपको एजुकेशन मिलेगी, तो ये सब ओपन लर्निंग फ्री करता है। ओपन लर्निंग आपको यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं करता है कि आपको इस प्लेस पे आना है, स्कूल में आना है, इस टाइम से इस टाइम तक आपको आना है, तब आप नॉलेज गेन कर पाओगे। ओपन लर्निंग ये सब चीज़ों से फ्री रखता है, तो वो भी बात सही है, क्योंकि डिस्टेंस कोर्सेज में ऐसा ही होता है कि आपको एक ही दिन क्लास अटेंड करनी है, वो भी अपने हिसाब से अटेंड कर सकते हैं आप, कोई फिक्स नहीं है कि आपको हर रोज़ जाना है, आपका 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, 70% अटेंडेंस होनी चाहिए, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो बी पॉइंट भी आएगा इसके अंदर। उसके बाद है लर्निंग एंड इवेलुएशन विदाउट अ स्पेसिफाइड करिकुलम, कि
कि बिना किसी करिकुलम के, बिना किसी सिलेबस के लर्निंग इवेलुएशन करना वो गलत बात है, क्योंकि कोई भी लर्निंग है, चाहे वो कोर्सेज डिस्टेंस से कंप्लीट हो रहा है या वो कोर्सेज रेगुलर कोर्सेज है, दोनों में ही करिकुलम स्पेसिफाई होता है, इवेलुएशन प्रोग्राम स्पेसिफाई होता है। तो बिना इवेलुएशन होगी बिना किसी करिकुलम के, मीन्स ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो बिना किसी करिकुलम के, बिना किसी स्पेसिफाइड सिलेबस के आप इवेलुएशन कर रहे हो, बिना किसी स्पेसिफाइड करिकुलम के आप लर्निंग कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है, चाहे वो कोर्स रेगुलर हो चाहे डिस्टेंस कोर्स हो। तो सी पॉइंट नहीं आएगा। आगे, ऑफरिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ लर्नर्स, कि इसके अंदर ओपन लर्निंग के अंदर इंडिविजुअल्स को, लर्नर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर की जाती है जो फ्लेक्सिबल होती है। मतलब कोई वही बात है कि आपको रेगुलर आना जाना नहीं है, कोई फिक्स रूटीन नहीं है उस चीज़ का, तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो डी पॉइंट भी आएगा। उसके बाद ई है, मेकिंग स्टूडेंट फ्री फ्रॉम एनी एजुकेशनल लोन, चाहे आप डिस्टेंस कोर्स करो, ओपन लर्निंग करो या रेगुलर कोर्स, एजुकेशनल लोड से फ्री नहीं हो सकते। एजुकेशनल लोड का मीन्स ये है, इसके पॉइंट बोल रहा है कि इसमें कोई एजुकेशनल लोड नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी आपको, पर ओपन लर्निंग में ऐसा नहीं होता है। ओपन लर्निंग का काम है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, आपको टाइम प्लेस से फ्री रखना, ना कि एजुकेशन ना देना, वो ओपन लर्निंग का काम नहीं है। तो ई पॉइंट भी नहीं आएगा, तो सी और ई पॉइंट नहीं आएंगे इसके अंदर, ए बी डी आएंगे इसके अंदर। तो इसका आंसर हम देखते हैं, ए बी डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी बी सी एस की फुल फॉर्म पूछी हुई है। सी बी सी एस इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जिसका 2020 में भी मोस्टली क्वेश्चन आए हुए थे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है सी बी सी एस से, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, लेटेस्ट टॉपिक है बल्कि, जो ट्रेंडिंग में है और मोस्टली क्वेश्चन इससे आ भी रहे हैं। तो सी बी सी एस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम अ फॉर्म ऑफ पैरेलल लर्निंग, ये छह हैट दी हुई है, ब्राउन, वाइट, वॉयलेट, रेड एंड ब्लैक, इन पाँचों हैट में से कौन सी ऐसी हैट है जो सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम में आती हैं। मतलब टोटल छः हैट एक्सप्लेन करेंगे हम आगे डिटेल में, तो इन छः हैट में से, इन पांचों में से ऐसी कौन कौन सी हैट है जो सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम के अंदर आती है। तो सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम में हमारी आती है, एक तो वाइट हैट, एक रेड हैट और एक ब्लैक हैट। वाइट, ब्लैक और रेड, तीन हैट आती है हमारी सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम के अंदर। हर हैट का कोई ना कोई अलग मीनिंग है, आप देखेंगे आगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बी डी ई, वाइट हैट, रेड हैट और ब्लैक हैट, तीनों ही सिक्स थिंकिंग हैट सिस्टम के अंदर आती है। अब देखते हैं कि बाकी रिमेनिंग तीन हैट्स कौन कौन सी और उनका काम क्या क्या है। टोटल सिक्स हैट हैं ये। एक ब्लू हैट होती है जिसका काम प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना, मेटाकॉग्निशन, किस तरह की हमें सोच करनी चाहिए, क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए। ब्लू हैट मीन्स जो प्रोसेसिंग का काम करता है। सेकंड हैट होती है हमारी वाइट हैट। वाइट हैट मीन्स जो इनफैक्ट पे काम करता है, इंफॉर्मेशन पे है, डाटा पे है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना मुझे जानना चाहिए, व्हाट डू आई नीड टू बी फाइंड आउट, कितना मुझे और जानने की ज़रूरत है, कितनी इन्फॉर्मेशन मुझे और प्राप्त करनी चाहिए, तो वो फैक्ट के बारे में, नॉलेज के बारे में बात करता है वाइट हैट। रेड हैट जो फीलिंग्स के बारे में बात करता है कि इंसल्ट किससे हुई है, फीलिंग चेंज होती है हर बार, और साथ साथ कोई रीज़न इसके लिए गिवन नहीं होता, रेड हैट मीन्स फीलिंग। उसके बाद ग्रीन हैट, ग्रीन से हमें पता चल जाता है कि क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी मीन्स कुछ नए आइडियाज़ डेवलप करना, सॉल्यूशंस लेके आना प्रॉब्लम का, अल्टरनेटिव्स लेके आना ताकि वो चीज़ पॉसिबल हो पाए। येलो हैट जो बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट करती है, प्लस पॉइंट्स क्या हैं किसी भी चीज़ के, पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, खुद से लॉजिकल रीजनिंग देना ताकि उस चीज़ के हम बेनिफिट्स फाइंड आउट कर पाएँ कि वो आइडिया इतना यूज़फुल क्यों है।
और लास्ट आते हैं हमारे ब्लैक हैट जो कोटेशन का काम करती है, मीन्स क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या इसमें रिस्क है, तो इस चीज़ के भी हम लॉजिकल रीजनिंग फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे टोटल 6 हैट हैं, वाइट, रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो एंड ग्रीन, इन 6 हैट हैं। और ये आपकी बार बिल्कुल नया क्वेश्चन था हैट से रिलेटेड, जो लास्ट टाइम कभी भी नहीं आया था फिलहाल अभी तक, ये तो 2021 में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है हैट रिलेटेड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 3-4 शिफ्ट में रिपीट हुआ है हैट का। तो अभी हमें पता क्लियर हो गया कंसेप्ट कि 6 हैट कौन कौन सी हैं और इन सबका काम क्या क्या है। तो वो हमारा बी डी ई आंसर था उसका, वाइट, ब्लैक एंड रेड हैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो 3 लेवल है, सबसे हाइस्ट रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है, तो इसका आंसर आ जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विद लिस्ट टू। हमें ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट वन में आर्टिफैक्ट्स गिवन है और सेकंड में डिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री, मैच्योरेशन, टेस्टिंग और डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। हिस्ट्री का अगर आप हिस्ट्री से हमें कुछ समझ में आता है कि हिस्ट्री में कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें देखना, कुछ पुराने स्टडी करना, जो इवेंट्स हो चुकी हैं उन पे ही काम करना हिस्ट्री के अंदर आता है। ए इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पॉइंट है, हैपन्स व्हाट सब्जेक्ट्स आर गिवन सिमिलर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, कि हम इसमें चेक करते हैं कि प्री टेस्ट मतलब वो सब्जेक्ट्स जो हमें दिए होते हैं, जिसका जो वो प्री टेस्ट के सिमिलर होंगे या पोस्ट टेस्ट के, तो वो सब आएगा हमारा टेस्टिंग के अंदर, तो सी का वन रहेगा। उसके बाद है सब्जेक्ट रिएक्शन टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, कि वो सब्जेक्ट जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को रिएक्ट करते हैं, मतलब जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, कि डिमांड कैसी है, क्या फ्यूचर में होने वाली है, उसके बेस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो डी का सेकेंड आएगा। आगे ऑक्यूरेंस ऑफ वेरियस इवेंट ड्यूरिंग अ स्टडी, और जब हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की तो उसमें बहुत सारे इवेंट निकल के आते हैं, बहुत सारे इवेंट ऑकर होती हैं, तो वो आता है हमारे हिस्ट्री के अंदर कि जब हम एक स्टडी कर रहे होते हैं पुरानी हिस्ट्री की तो बहुत सारे इवेंट हमें पता चलते हैं, तो वो आता है हमारे हिस्ट्री के अंदर। तो एक का थर्ड रहेगा। और लास्ट बचेगा हमारा बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो आता है हमारे मैच्योरेशन में, क्योंकि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही मैच्योरिटी से रिलेट करते हैं, तो बी का फोर्थ हो जाएगा हमारा। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, ये सब हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स गिवन है, यू कैन मेक द बिहेवियर यू टीच मोर ऑथेंटिक बाय चेंजिंग द इररिलेवेंट एस्पेक्ट और कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग एज ऑफ्टन एज पॉसिबल एंड इन एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल, कि आप किसी भी बिहेवियर को टीच कर सकते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक बना सकते हैं इररिलेवेंट एस्पेक्ट को चेंज करके, मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो हम ऐसा करते हैं कि कुछ गलत तथ्य है, कुछ इररिलेवेंट कंटेस्ट है, उसको हम चेंज करें ताकि वो जो हमारा बिहेवियर है जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो एक ऑथेंटिक बने। स्टेटमेंट सेकेंड है, टू टीच बिहेवियर दैट इज़ ऑथेंटिक, योर लेसर नीड नॉट टू प्रेजेंट कंटेंट इन ए वे इन विच इट विल बी यूज बाई योर लर्नर्स ऑन असेसमेंट इन सब्सिक्वेंट ग्रेड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड योर क्लासरूम। आपको कोई अपना जो बिहेवियर है वो ऑथेंटिक बनाने के लिए, उसको ऑथेंटिक करने के लिए आपका लेसन जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने लेसन को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि आपका जो लर्नर है वो आउटसाइड वर्ल्ड क्लासरूम के बाहर से कनेक्ट हो पाए। तो ये पॉइंट हमारा स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि जब भी हम कोई नया पॉइंट नया टॉपिक करवाते हैं तो उससे हम ट्राई करते हैं कि जो बच्चा है वो आउटसाइड क्लासरूम कनेक्ट हो ताकि वो उस चीज़ को समझ पाए। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडोलसेंट। एडोलसेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस फ्रॉम अडल्ट कंट्रोल। ये सही है कि अडल्ट कंट्रोल से मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब एडोलसेंट के जब किशोरावस्था में कोई बच्चा होता है तो उस टाइम वो अडल्ट कंट्रोल मीन्स बड़ों के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बड़ों
के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देता है। रैपिड साइकोलॉजिकल चेंजेस, वो भी पॉइंट सही है। इमोशनली मैच्योर्ड, एक्ट रैशनली, इंक्रीज्ड फोकस ऑन एक्टिविटी पीयर ग्रुप्स। एडोलसेंट में क्या होता है कि जो बच्चा है वो पीयर ग्रुप मीन्स अपने ग्रुप्स में ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना चाहता है, अपने ग्रुप में ज़्यादा रहना चाहता है, अपने ग्रुप की एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस रखता है। तो एडोलसेंट में हमारा आएगा अडोल्ट कंट्रोल से बाहर जाना या उनसे इंडिपेंडेंट होना, साइकोलॉजिकल चेंजेस आना, और एक है इंक्रीज्ड फोकस ऑन एक्टिविटीज़ विद पीयर ग्रुप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड ई। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिज़ाइंड टू असेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनी नॉलेज एंड एबिलिटीज़। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो अचीवमेंट टेस्ट है, वो डिज़ाइन किया जाता है ताकि किसी भी बच्चे की अपर लिमिट्स को चेक किया जाए। हमारा अपर लिमिट्स में एक पॉइंट था कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो भी हमारा अपर लिमिट्स ऑफ नॉलेज को चेक करने के लिए ही होता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आर डिज़ाइन टू मेज़र द टाइपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। जो अचीवमेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है या मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट है, वो चेक करता है कि किसी भी बच्चे की, किसी भी नॉलेज, बच्चे की नॉलेज की अपर लिमिट्स क्या हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, तीनों ही एक टेस्ट है जिनका काम अपर लिमिट चेक करना है नॉलेज की। और ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेस्ट, दोनों का ही काम है बिहेवियर चेक करना और कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करना किसी भी एग्जामिनी की। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, तो चेक कर सकते हैं वहाँ से। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम बेसिक टीचिंग कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई थ्रू वेरियस रिसर्चेज ऑन टीचिंग। यहाँ पे कुछ बेसिक टीचिंग कॉम्पिटेंसीज हमें गिवन है, तो हमें आइडेंटिफाई करनी है वहाँ पे कि कौन कौन सी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है, विच अमंग ऑफ देम फॉल इन द डोमेन ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, कि इन पाँचों कॉम्पिटेंसीज में से कौन कौन सी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी है। तो हमने पढ़ा था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कि बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज में हमारा आता है प्लानिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब हमारा आता है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी में। और लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी, ये आता है हमारा पर्सनैलिटी कॉम्पिटेंसी में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पुट होता कि वो कॉम्पिटेंसीज बताओ, वो योग्यताएँ बताओ जो पर्सनैलिटी से रिलेट करती हैं, तो हम आंसर करते ए एंड सी, सेल्फ एफिकेसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। बट क्वेश्चन हुआ है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज को लेकर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्लानिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए इसका आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, प्लानिंग एंड कम्युनिकेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। हमें यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में हमें मेथड्स ऑफ टीचिंग गिवन है, लिस्ट 2 में हमें टेक्निक्स गिवन है कि उस मेथड की कैसी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं हम। फर्स्ट है फेस टू फेस इंटरेक्टिव, कैसे होगा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड्स की क्या टेक्निक रहेंगी, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग की क्या टेक्निक रहेंगी, और ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग की क्या टेक्निक रहेंगी। तो देखो, ओपन एंड लर्निंग मेथड, ओपन एंड लर्निंग मेथड हमारा होता है जिसमें इंस्ट्रक्शनल मेथड मटेरियल यूज होता है, मीन्स जो आप एट ए टाइम प्रिपेयर नहीं करते हैं आप वहाँ पे, आपको पहले से मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वही आप करते रहते हैं। ओपन एंड डिस्टेंस कोर्सेज के अंदर आपको कोई रेगुलर कोर्सेज प्रोवाइड नहीं की जाती। तो हमारा बी का थर्ड आएगा मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। और ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग हमारे, इसके अंदर जो अगर आप चेक करेंगे टेक्निक्स में, तो जो फर्स्ट टेक्निक है स्वयं एंड मॉक्स, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज, वो हमारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये हमारे ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग है। और स्वयं, स्वयं प्रभा, NIE, LIT, ये कोर्सेज भी हमारे ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग की हैं। ये टेक्निक्स हमारी ऑनलाइन टीचिंग है, जहाँ अगर आपके पास इंटरनेट होगा तभी आप इनका कोर्सेज का
फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते इनको। तो डी का फर्स्ट कंफर्म है, ऑनलाइन कोर्सेज दोनों ही हैं, दोनों ही ऑनलाइन मेथड हैं, स्वयं भी और मॉक्स भी। तो डी का फर्स्ट रहेगा एंड बी का थर्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा हमारा, कि जहाँ पे हम डिस्कशन करें, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस कपल्ड विद डिस्कशन, जहाँ पे क्वेश्चंस को पुट करते हैं, डिस्कशन करते हैं साथ साथ, तो वो हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन मेथड रहता है। तो ए का फोर्थ रहेगा, बी का थर्ड, सी का सेकंड, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल पैकेज है। मेथड ऑफ टीचिंग में देखा था हमने कि जो इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मेथड, या हम उसको स्टूडेंट सेंटर्ड कहते हैं, तो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल पैकेज या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मेथड हमने पढ़ा था, जिसमें जो स्टूडेंट है वो एक सीक्वेंस से चीज़ें सीखता है। पहले उसने मीनिंग सीखा, फिर फीचर सीखे, फिर एडवांटेज सीखी, तो वो सीक्वेंस से चीज़ों को सीखता है, प्रोग्राम में सीखता है, तो वो हमारा होता है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट, तो ये ए का फोर्थ बी का थर्ड हमारा है, ए का फोर्थ बी का थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। आइडियाज़ इंफॉर्मेशन को सिर्फ प्रेजेंट करना है। देखो मेमोरी लेवल में आता है हमारे, पहली बात तो आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट को, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी मेमोरी लेवल में। रिलेशनशिप एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग, ये आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में। और ओपन इन्वॉल्वमेंट, ओपन लर्निंग, ओपन इन्वॉल्वमेंट, ओपन क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट, लॉजिकल रीजनिंग हाईएस्ट लेवल, और इमेजिनेशन, तो ये सब आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में। ये कुछ कीवर्ड्स हैं कि आप कीवर्ड्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन हमारी प्रेजेंट होती हैं मेमोरी लेवल में, जहाँ पर रूट लर्निंग होती है, सिर्फ और सिर्फ उनको आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन देयर आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक असर्शन एक रीज़न। असर्शन कहती है, टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंजेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर, हैंस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। टीचिंग है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव चेंज इंटरचेंज है टीचर और लर्नर के बीच में, इसी वजह से वो इंस्ट्रक्शनल और ट्रेनिंग से अलग है। अगर आपने 2020 के PYQ देखे होंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि ऐसा को मतलब जो टीचिंग है वो ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन से अलग क्यों है, तो उसका आंसर था क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि टीचिंग में क्रिटिकल थिंकिंग है जो इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग में नहीं है। तो इन्होंने वही चीज़ को अभी एक असर्शन एक स्टेटमेंट बना के पूछा है कि टीचिंग अलग है क्योंकि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है और क्रिएटिव इंटरचेंजेस है। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न है, बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड एट लोअर ऑर्डर कॉग्निटिव इंटरचेंजेस, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में और ट्रेनिंग में दोनों में इंटरचेंजेस तो हैं, कॉग्निटिव मीन्स उनमें इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी लेवल, नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का जो चेंजेस है वो तो है, बट वो लोअर लेवल का है। ट्रेनिंग में आप वो कंसेप्ट समझाते हैं ताकि उनको स्टेबल रहे, उनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, बट इंस्ट्रक्शन में और ट्रेनिंग में सिर्फ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि सिर्फ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देना उनको, उनको उनका जो डेवलपमेंट नहीं होता वहाँ पे। और ट्रेनिंग में भी आप एक बेसिक स्किल सिखाओगे, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग में इतना अच्छा इंटरचेंज नहीं है कॉग्निटिव लेवल पे, तो वो लोअर लेवल है। असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड आर एंड करेक्ट, एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेम क्वेश्चन 2020 में ऑप्शन फॉर्म में था कि टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, हाउ, तो इसका आंसर था क्रिटिकल थिंकिंग। और उन्होंने अभी वही क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में डाल दिया और उसको क्वेश्चन रीजन फॉर्म में डाल दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी वजह से हम कहते हैं कि PYQ लगाइए, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगली बार कुछ ना कुछ चेंजेस करके वही ऑप्शंस वही कंटेंट देते हैं, सिर्फ कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर देते हैं। असर्शन वाला क्वेश्चन ऑप्शन बना के देंगे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन असर्शन बना के देंगे, स्टेटमेंट बना के देंगे, बट बात वही रहेगी। तो इसलिए
PYQ लगाने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम वन विथ कॉलम टू। हमें कॉलम वन को टू से अरेंज करना है। एक लिस्ट वन में हमें मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन गिवन है, लिस्ट टू में हमें उस इवैल्यूएशन के फीचर्स गिवन हैं। फर्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो हमारी ड्यूरिंग द टीचिंग होती है, या फिर जब हम वो काम कर रहे हैं, वो कोर्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब हमारी इवैल्यूएशन होता है तो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। सबमेटिव इवैल्यूएशन जो एट द एंड होता है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आपका इवैल्यूएशन हो, जैसे 10th 12th में मार्च में जो एग्ज़ाम होते हैं वो सबमेटिव इवैल्यूएशन के अंदर ही आते हैं। कि जब आप एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ कोर्स जब इवैल्यूएशन होता है तो हमारा सबमेटिव इवैल्यूएशन होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन, जहाँ पे आप क्राइटेरिया फिक्स होता है, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम देने से पहले क्राइटेरिया है कि 55% जिसके मार्क्स होंगे पीजी कोर्स में वही एग्ज़ाम दे पाएगा, तो क्राइटेरिया फिक्स हो गया। तो क्राइटेरिया फिक्स होना एक क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन के अंदर आता है। और उसके बाद है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस जहाँ पे परसेंटाइल देते हैं आप स्टूडेंट को, रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नेट के एग्ज़ाम में ही परसेंटाइल दी जाती है, रिजल्ट में रैंक दी जाती है, तो वो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन है। तो अगर आप चेक करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का आंसर कौन सा आएगा, कंपेयर वन स्टूडेंट विद अनदर, तो ये ना तो फॉर्मेटिव में है। कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे आप पहले से बने स्टैंडर्ड के लिए किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस को कंपेयर करते हैं। थर्ड है यूज प्राइमरली फॉर मोटिवेशन एंड मॉनिटरिंग पर्पस ऑफ लर्निंग, एंड यूज प्राइमरली फॉर ग्रेडेशन ऑफ प्रोग्रेस मीन्स। देखो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसका आंसर आएगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे आप मोटिवेशन उस लर्निंग के पर्पस से आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हो ताकि उस बच्चे की लर्निंग मोटिवेट हो, उसको मॉनिटर किया जाए। मतलब आपने ये इवैल्यूएशन ड्यूरिंग टीचिंग किया है, क्योंकि अगर आप इसको एट द एंड ऑफ ईयर करते या एट द एंड ऑफ कोर्स करते तो आप उस लर्निंग को मॉनिटर नहीं कर सकते थे। बट अगर आप ड्यूरिंग टीचिंग कर रहे हो, उसको कोर्सेज के पढ़ाते हुए कोर्सेज के दौरान अगर आप उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, कुछ कमी होगी तो आप उसको बता सकते हैं, जो सबमेटिव इवैल्यूएशन में नहीं कर सकते। तो एक का थर्ड आएगा। उसके बाद है सबमेटिव इवैल्यूएशन। सबमेटिव इवैल्यूएशन में वही बात कि एट द एंड ऑफ कोर्स जब उसको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उसको ग्रेड प्रोवाइड की जाएगी, तो सबमेटिव इवैल्यूएशन बी का फोर्थ रहेगा। यूज प्राइमरली फॉर ग्रेडेशन ऑफ प्रोग्रेस मीन्स कि जिसने कितना प्रोग्रेस किया उसको ग्रेड प्रोवाइड करना, तो सबमेटिव इवैल्यूएशन है बी का फोर्थ। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग के जब आप प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड फिक्स है कि 55% मार्क्स के साथ ही नेट का फॉर्म फिल हो सकता है UGC नेट एग्ज़ाम का, तो आपने उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे उस बच्चे को कि वो नेट का फॉर्म फिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो पहले से बने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना आता है हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में, तो सी का सेकंड रहेगा। और डी का फर्स्ट नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, जहाँ पे एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर किया जाता है कि उसकी परसेंटाइल कितनी है, उसकी परसेंटाइल कितनी है। तो डी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ इट्सेल्फ रादर देन अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग। प्रोग्रेसिव टीचिंग का प्रोग्रेसिव व्यू, उसका प्रिंसिपल ये है कि जो एजुकेशन है वो खुद एक जीवन है, ना कि जीवन के लिए तैयारी नहीं है, वो खुद एक जीवन है। और स्टेटमेंट सेकंड बोलती है कि रिकंस्ट्रक्ट होते हैं जो, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। ये मतलब जो नए सोशल ऑर्डर हैं वो जेन्युइन डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्योंकि एजुकेशन क्या है, खुद में एक जीवन है, ना कि जीवन सिखाने के लिए कला है कोई, या फिर जीवन के लिए कोई तैयारी है। और रिकंस्ट्रक्ट का ऐसा मानना है कि सोशल ऑर्डर जो भी नया आया है वो खुद में डेमोक्रेटिक है, अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन लेते हैं बच्चे, अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो वो एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक है।
तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ होल मार्क। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन, हमने बात की थी, ये सब किस में आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में, क्योंकि उसी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, उसी के अंदर आप डॉक्टरेट डिग्री तक पहुँचते हो। जब कोई बच्चा PhD करता है तो वहाँ पर उसकी थिंकिंग बहुत क्रिटिकल होती है, बहुत सोच समझता है, वो हर चीज़ अपनी ही बातों की आलोचना करता है ताकि उसको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग सीइंग ऑफ रिलेशनशिप इज प्रमोटेड एज एन ऑब्जेक्टिव। वही क्वेश्चन है, रिलेशनशिप हमने बात की थी, एग्जाम्पल कंसेप्ट, ये सब हमारा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, सॉरी, रिलेशनशिप एग्जाम्पल्स और फैक्ट, रिलेशनशिप एग्जाम्पल कंसेप्ट और इसमें था एग्जाम्पल कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग, ये सब हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, जहाँ पे जो बच्चा है वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है कि उसने दो टॉपिक पढ़े, दोनों टॉपिक के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में, क्योंकि वहाँ पर वो दोनों ही कंसेप्ट समझ चुका होता है, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है उनको फाइंड आउट करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायनामिक ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड थ्रू। क्लासरूम का इंटरेक्शन कैसे मैनेज कर सकते हैं आप, कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो क्लासरूम का मैनेजमेंट, क्लासरूम इंटरेक्शन है जो, वो कैसे इफेक्टिवली मैनेज होगा, जब जो मीनिंग, जब आप एक है सेकंड इसमें दिया हुआ लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी, अगर लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हुई तो फिर आप मैनेज नहीं कर पाओगे, रिपीटिव सिंबोलिज्म भी नहीं होगा, वर्बोसिटी भी नहीं होगा, एक इंटरप्रेटिंग परसीव्ड मीनिंग ऐसे हैं जो जिस वे में आपको चीज़ बताई जा रही है उसी वे में आप उसको इंटरप्रेट करें, उसी वे में आप समझें, तो क्लासरूम अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंटरप्रेटिंग रिसीव्ड मीनिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 है, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट टू लर्निंग द क्लासरूम। लर्निंग प्रोसेस में इंगेज होना, उनमें शामिल होना का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट डिवोट टू लर्निंग, मतलब कि बच्चों ने क्लासरूम में लर्निंग के अंदर कितना टाइम डिवोट किया, कितना टाइम दिया है। तो अगर कोई बच्चा, वो स्टेटमेंट वन करेक्ट है कि कोई भी लर्निंग प्रोसेस में अगर शामिल हुआ तो इसका मतलब उसने उतना समय तो लर्निंग के दिया है, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ फॉर्मल वेयर एज सबमेटिव असेसमेंट इज़ इनफॉर्मल। स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट इनफॉर्मल है जो आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कभी भी मैनेज करते हैं ड्यूरिंग कोर्स, ताकि बच्चे की जो उनकी लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सके, और सबमेटिव असेसमेंट फॉर्मल है जो एट द एंड ऑफ कोर्स होगा, एट द एंड ऑफ ईयर ही होगा, जो जिसमें ग्रेड प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को, उनके रिपोर्ट कार्ड्स तैयार किए जाएंगे। तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। तो हमने ये 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अगर आपने हमारा सिलेबस अच्छे से तैयार किया होगा, अच्छे से उसको पढ़ा होगा, तो आप इस 25 क्वेश्चंस में से 20 स्कोर आपका आराम से आ गया होगा, क्योंकि कुछ 5-6 क्वेश्चन थे जो नए थे, जैसे हेड का क्वेश्चन था वो भी नया था, और 2 हमारे राइपल फैक्ट के क्वेश्चन भी नए थे, तो कुछ 5-6 क्वेश्चन थे जो नए थे, बाकी 19-20 आपका स्कोर अच्छे से आ गया होगा। अगर आपने वो सिलेबस अच्छे से किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो देखी है, तो आपका स्कोर अच्छे से आ गया होगा। आपका कितना स्कोर आया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो हम आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले आने वाली वीडियो की, और वीडियो में कुछ कमी है तो आप बताइए कमेंट में, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करें। किसी और टॉपिक को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।
शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले आने वाली वीडियो की।